यार ये क्या नया रीमिक्स, रीमिक्स तो पुराना हो गया। इंस्टा आ गया, फिर इंस्टा से अभी एक रील आ गई, रील से अब मिनी रील आएगी, उसके बाद नैनो सेकंड हो जाएगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिंगर नहीं है उसमें। गाना गाया है मैंने, लेकिन वो पिक्चराइज मुझ पर हुआ है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप सर, और आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपने पहले भी एक्टिंग की शुरुआत की थी सर, कई शोज़ में और मूवीज़ में भी आपने एक्टिंग किया है सर, फिर अचानक से सर गैप क्यों और क्या इंस्पिरेशन थी? अचानक नहीं हुआ कुछ, जब आया आ गया, ये ऑफर आया, रोल अच्छा था, डायरेक्टर ने बोला कि सर ये आपको करना है, प्लीज़ कर लीजिए, कास्टिंग अच्छी थी, शर्मिला जी थी, मनोज थे, और वैसे मुझे कैरेक्टर ऐसा दिया कि जो शूट कर गया उसमें गाना भी था, तो हमने ले लिया और अच्छा हो गया। सर मूवी में आपका क्या रोल है और किस तरह की स्क्रिप्ट? ये तो देखिए, फिल्म मेरा जो है एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जो फैमिली बत्रा फैमिली है ना, जो आपने देखा होगा, तो उसका मैं फैमिली में वो हूँ, मैं फैमिली फ्रेंड हूँ, क्लोज फैमिली फ्रेंड, शर्मिला जी की फैमिली का मैं क्लोज फैमिली फ्रेंड हूँ। ड्रामा अच्छा है उसमें, मैं प्लेइंग अ कैरेक्टर जो मैं गाता भी हूँ, बट आई एम नॉट, मैं सिंगर नहीं हूँ उसमें। गाना गाया है मैंने, लेकिन वो पिक्चराइज मुझ पर हुआ है, लेकिन एज अ कैरेक्टर, और गाना बहुत अच्छा है, और फिल्म भी उसमें फैमिली ड्रामा है, सबके बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं। शर्मिला जी बहुत कमाल, इतने सालों के बाद लगता नहीं कि उन्होंने, मतलब बिल्कुल वैसी वैसी ग्रेसफुल, मनोज तो है ही हैं, और भी हैं, सूरज है और सिमरन है, बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं सब, और डायरेक्टर जो है वो अच्छा काम किया है। सर शर्मिला जी के साथ इस मूवी में कैसा रहा आपका, क्या क्या उनसे एसोसिएशन है सर? बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही कंफर्टेबल था, शर्मिला जी के पता ही नहीं लगा कि हम पहली बार काम कर रहे हैं, वो तो इतनी सीजन एक्ट्रेस हैं, उनको मैं जानता भी हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि कभी काम नहीं किया था साथ में, तो वो बहुत ही सबके साथ उन्होंने ऐसे ही बर्ताव किया, और मेरे साथ तो अच्छा एक रिश्ता भी बन गया, पहले भी था लेकिन अब एक और एक रिश्ता बना, वो बहुत ही अच्छी औरत हैं, और कभी वो मतलब ज़रा भी उनमें आना नहीं है, और आना जो है एक हद तक होनी चाहिए इंसान में, आना मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट, बट अगर उसके ज़्यादा होता गुरु हो जाता, वो बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ है, लेकिन वो बहुत बारीक है, वो देखती भी हर चीज़ के क्या हो रहा है, तो वो बराबर बहुत अच्छा हो गया। सर गुलमोहर के साथ ही आप मिस्टर हंसल मेहता की मूवी स्कैम में भी काम कर रहे हैं सर? जी हाँ, कर लिया, हो गया शूट, हो गया। तो क्या कुछ रोल के बारे में भी थोड़ा बताओ। स्कैम 2003 अलग, कम्प्लीटली अलग अलग रोल है उसमें, उसमें वो सीरीज है, वो उसमें ड्रामेटिक रोल है, तो तेलुगु की कहानी है ना स्टैम्प पे, स्कैम पे, तो जो लड़का जो कर रहा है तेलुगु का रोल, बहुत अच्छा एक्टर है, तो मैं उसका उसमें फादर इन लॉ का रोल कर रहा हूँ, जो उसको लाता है खानापुर से यहाँ पर। अब आगे आप देखिए, इट्स टू सून। सर प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा, आप मिस्टर सिद्धार्थ आनंद की मूवी फाइटर में भी हैं? जी हाँ, उसमें एक 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 बस एक कैमियो कर रहा हूँ, कैमियो समझते ना, स्पेशल, इसमें मैं ऋतिक के फादर का रोल कर रहा हूँ, एक कुछ सीन है उसमें, हालांकि पता नहीं, और मैं मुझे इतना ही मालूम है कि सीन है, अभी शूट करना है, और मैंने कहा भाई एक सीन दो सीन के लिए, बोले नहीं सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल है, प्लीज़ कर लो आप लोग, तो मैम हैप्पी, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी फिल्म है, ऋतिक हैं, दीपिका हैं, अनिल कपूर भी हैं सुना उसमें, उन लोगों का तो जो भी रोल होगा मुझे नहीं मालूम, मेरा जो है एक एक फादर का रोल है। ऐसा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते हैं सर आप? कुछ नहीं, काम करता रहता हूँ, काम खूब मोटिवेट करता हूँ मुझे, म्यूज़िक में भी, सिखाने में भी, कॉन्सर्ट्स में भी, और अपने अपने काम में लगे रहो, खुद मोटिवेशन आ जाता है। ये नया म्यूज़िक और रिमिक्स के ट्रेंड जो आपको आजकल हो रहा है सर, तो कितना ज़रूरी आपको लगता है? और मतलब यार ये क्या नया रिमिक्स, रिमिक्स तो पुराना हो गया, ख़त्म हो गया, ये ट्रेंड्स आते हैं जाते हैं, असली जो रहती है, जो भी चीज़ होती है ना, वो असल, जिसमें रूदारी है, जिसमें पोइट्री है, गज़ल आज भी ज़िंदा है, मैं कह रहा हूँ ये लिख लो, आज भी हम कॉन्सर्ट्स करते हैं, ढाई ढाई घंटे लोग उठते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, फरमाइशें करते हैं, उमराव जान, डैडी, बाजार, फरा, ये वो सब,
जगजीत भाई की गाता हूँ, मेरी गाता हूँ, मेहदी साहब की गाता हूँ, तो लोग 2.5 घंटे उठते हैं, 3 घंटे थक जाते हैं हम, तो कहाँ से आते हैं लोग, सुनने आते हैं ना। सर इन दिनों सिंगर्स को लॉन्ग लास्टिंग नहीं माना जा रहा था, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है जैसे पहले के ज़माने के सिंगर्स रहते। ऐसी बात नहीं है यार, आज के सिंगर्स भी बहुत टैलेंटेड हैं, सिर्फ ये है कि आज का आपका इंस्टेंट ज़माना है ना, प्रॉब्लम ये है, हर चीज़ आपको इंस्टेंट चाहिए। पहले तो फेसबुक में आप करते थे, उसके बाद इंस्टा आ गया, फिर इंस्टा से अभी एक रील आ गई, रील से अब मिनी रील आएगी, उसके बाद नैनो सेकंड हो जाएगा, उसके बाद गायब ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपने फैंस को? मैं कहता हूँ सबसे, देखिए गुलमोहर बहुत अच्छी फिल्म है, इसलिए नहीं कि मैंने काम किया उसमें, अगर मैं काम भी नहीं करता तो फिल्म देखिए जाके आप, लेकिन मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं उसमें काम किया, उसमें गाना गाया, उसमें मनोज हैं, शर्मिला जी हैं, सूरज हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, और डायरेक्टर भी अच्छे हैं, स्टोरी अच्छी है, फैमिली ड्रामा है, ये शोर शराबे के ज़माने में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेलो ड्रामा, फैमिली ड्रामा है, आप देखिए जाकर, आप खुद जान लीजिए, मैं उससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता।